हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। दोस्तों आज आप सीखेंगे सुमिता अरोरा क्लास 11 का चैप्टर डिक्शनरीज का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी तो आप गूगल पर सर्च कीजिए पाथ वाला, आप वहाँ से भी हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना आइडियल पाइथन खोल लेता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन यहाँ मैंने पहले से ही लिख लिया है क्वेश्चन आंसर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिवन टू डिक्शनरी से D1 एंड D2। ठीक, मतलब दो डिक्शनरी हमको देना, मतलब दिया गया जाएगा, उसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट लीड्स लिस्ट द ओवरलैपिंग कीज ऑफ टू डिक्शनरीज इफ अ key of D1 is also a key of D2. The list it, मतलब कि ना हमको लिस्ट बनाना है, मतलब उसका लिस्ट बनाना है कि जिसमें ना ये अगर D1 में कोई मान लीजिए की है, वही की ना सेम है D2 में, तो ना क्या बोलते हैं, एक लिस्ट के लिस्ट में ना वो दोनों जो की है वो ऐड हो जाना चाहिए। ठीक, और फिर बाद में हमको वो प्रिंट करना है ओवरलैपिंग की के नाम पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किया ओवरलैपिंग कीज आर, तो वो लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दो डिक्शनरी इनपुट करा लेंगे यूज़र से। इनपुट कराने के लिए इवल फंक्शन लगाएंगे, फिर इनपुट और मैसेज देंगे कि इंटर द फर्स्ट डिक्शनरी, फिर वैसे ही दूसरा भी करेंगे D2 के लिए भी इवल इनपुट इंटर सेकेंड डिक्शनरी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ बोल रहा है कीज के लिए, कीज बस निकालना, मतलब वैल्यूज से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस कीज सेम होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले D1.keys लगा देंगे। कीज फंक्शन क्या होगा कि ना जितने भी उस डिक्शनरी में, उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में ना जितने भी कीज होंगे वो एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे किसी एक वेरिएबल में। तो मैंने मान लीजिए LSD1 नाम के वेरिएबल में इस कीज को पूरे कि जो जितने भी कीज हैं उनको मैं सेव कर ले रहा हूँ। ठीक, उसके बाद LST2 में भी सिंपली वही करेंगे, LST2 में भी वही हुआ। ठीक है, जितने भी डिक्शनरी 2 में वैल्यूज होंगे वो हो जाएंगे इससे। ठीक है, उसके बाद एक खाली लिस्ट ले लेंगे, तो एम्प्टी लिस्ट लेने के लिए सिंपली हम दो लार्ज ब्रैकेट को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर आई इन List1। ठीक, List1 में जितने भी कीज होंगे, और उसके लिए फिर दूसरी बार क्या कर देंगे, फॉर जे इन List2। ठीक, तो फिर उसके बाद सिंपली क्या करा देंगे, हम लोग कंपेयरिंग करा देंगे। अगर इसमें से कोई भी कीज, मतलब कि पहले ये पूरा चेक करेगा इस लिस्ट में जितने भी की है वो List2 के पहले वाले की से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, मैच किया तो क्या बोलते हैं लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो LST1 प्लस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ ऐड, मतलब कि प्रिंट हो जाएगा कि ओवरलैपिंग कीज आर LST, मतलब कि जो यहाँ लिस्ट बना रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा जितने भी कीज रहेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिए इंटर अ फर्स्ट लिस्ट, तो लिस्ट बनाने की सिंपली हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए एक उसका की रहा 1 और उसकी वैल्यू रहा 2। ठीक, कॉमा मान लीजिए उसका वैल्यू है 5 की और उसका वैल्यू है 8, कॉमा मान लीजिए की है 9 और वैल्यू है 7। ठीक, इतना काफ़ी है। और सेकेंड डिक्शनरी को भी ले लेते हैं, मान लीजिए इसका की है 5:6। ठीक, और एग्जांपल में 8:7। एक और ले लेते हैं जो ओवरलैप करे, तो 1 है तो 1 को भी ले लेते हैं, 1:2। ठीक,
तो देखते हैं कि कितने लैप कर रहे हैं, 1 और 5 ओवरलैप कर रहे हैं, 1 और यहाँ पे 1 एक बार ओवरलैप किया और 5 और 5। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरीज पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।